सब बताने के साथ एक चीज तो भूल ही बताना, जो कि आप सबको पसंद, आपको सबको क्या, हम सबको पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने वेयर करी है साड़ी, आज मुझे अच्छा हो गया इसलिए। और अभी बज रहे हैं सिर्फ 9:55 और मेरा खाना लगभग बन चुका है। इधर दाल का मसाला बन रहा है और इधर दाल बॉईल हो रही है, ये टिंडू की सब्जी, ये इधर आटा है, इधर चावल भी हैं। और मैंने आज खाना इसलिए जल्दी बना दिया क्योंकि रोज़ मैं शॉप पर जाने के लिए काफ़ी लेट हो रही थी, तो आज तो मैं फटाफट खाना पका ही दिया। और खाना वगैरह सब बना लेती हूँ, फिर जाएंगे चिकू। चिकू तो अभी नहा रहे हैं, तो फिर नहा लेंगे, तब तक मैं ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ, फिर चलेंगे मंदिर। मंदिर से आकर मैं खाना खा लूँगी, फिर चिकू, और चिकू तो थोड़ा लेट खाएंगे क्योंकि चिकू के आज है व्रत, इसीलिए अभी दाल वगैरह बॉईल हो रही है। मैं जब तक कि ये किचन का काम गैस कर रहा है, और ये देखो ये हमारे उनकी ये री सामने क्यों नहीं देख रही है, गुड मॉर्निंग बोल रहे, बाद में देखें। तो रूम की हालत है कुछ ऐसी, तो सही कर देती हूँ, और मेरा भी स्किन केयर बाकी है, स्किन केयर कर देती हूँ। साढ़े 11 हो गई और मैं एकदम टाइम पे हूँ, मेरा खाना कंप्लीट बन चुका है। खाने में है रोटी की, रोटी दाल उड़द की और टिंडूरी की सब्जी पापड़। फटाफट से कर देती हूँ खाने को फिनिश और फिर चलना है शॉप पर। खाना वगैरह सब खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं शॉप पर। चिकू ने भी खा लिया, हम दोनों ने खा लिया, अब चलते हैं शॉप पर। मास्क तो नया निकालना पड़ेगा, ये पार्सल भेजना है, तो अभी पार्सल भी साथ में भेज देते हैं जो लोकल डिस्पैच करते हैं वो। शॉप पर आ गई हूँ, तो अब ले लेती हूँ हेयर वॉश क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहनजी टाइप दिख रही हूँ। हालांकि आज मैं दिख ही रही हूँ, साड़ी पहनी है, एनर्जी भी दिख रही हूँ। तो यहाँ पर तो लॉक कर दिया है, ये भी एक बार लॉक मार देते हैं। तो अभी ये हेयर वॉश वगैरह करवा देते हैं। हो आई हाँ, तो अटेंडेंस पर नहीं पड़ती है, हाँ आज कैंसिल कर देना। चालू करो गीजर, वो लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं है, छोटे करेगा। आज सुबह से लाइटें ही नहीं है, तो इसलिए आज ट्यूटोरियल भी नहीं बनेगा। बाकी ट्यूटोरियल बनाने का पूरा मूड था, 9 बजे से 7 बजे तक, 5 बजे तक लाइटें नहीं आएंगी ऐसा कह रहे। बाप रे ज्योति, आहा ठंड जोरदार है। हेयर वॉश हो गया, लाइटें नहीं है, इसलिए ड्राई नहीं कर सकती, डायरेक्ट टॉवल ड्राई ही करके रहने दूंगी। अभी हुई हूँ फ्री, मैं लगभग बज गई हैं 6:30 और नॉन स्टॉप कस्टमर थे तो बिज़ी थी साथ साथ में। और अभी मैं जा रही हूँ आगे, तो आगे जाकर देती हूँ मैं आपको एक प्रोडक्ट नॉलेज। अभी मैं ये आगे वाली शॉप से ये वाला स्टोन परचेस कर रही हूँ क्योंकि अब ये स्टोन परचेस करने का क्या मेरा, यानी जो इसके पीछे का क्या वो मोटिव है वो मैं बता देती हूँ। ये स्टोन मैं इसलिए परचेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी विंटर्स में इनग्रोथ होने की प्रॉब्लम रहती है, तो जहाँ पर भी गर्ल्स को जो वैक्सिंग करवाती है रेगुलर, उनको इनग्रोथ की प्रॉब्लम होती होगी। अगर आपने देखा हो या फिर गर्ल्स ने नोटिस किया हो, बाल अंदर की तरफ बढ़ते बाहर नहीं आते, तो इस स्टोन से अगर हम सर्कुलर मोशन में अगर हमारी बॉडी पर स्क्रबिंग करते हैं तो डेड स्किन भी रिमूव होगी ऑफकोर्स, और हमारा जो इनग्रोथ हो रहा है वो भी बाहर निकल जाएगा, और इससे हम हमारी एंकल वगैरह को भी अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं जिससे डेड स्किन हो वो निकल जाए। और सबसे मेन तो इनग्रोथ है, उसको हटाने में 100% यानी कारगर चीज़ है क्योंकि इनग्रोथ को हटाना स्क्रबिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आ गई हूँ आगे वाली शॉप पर और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप
अब जो ये दिवाली का सीज़न आ रहा है, फेस्टिव सीजन्स भी पीछे बैक टू बैक स्टार्ट है, शादियां चालू हैं, तो लड़कियों को मेकअप की ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं आपको बेस्ट मेकअप बता देती हूँ और कम से कम मेकअप में आप कितना अच्छा काम कर सकते हो वो भी मैं साथ साथ में बता दूंगी। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे अच्छा यानी छोटा सा वैनिटी पैक बनाकर आप अगर ये सारा परचेज़ करोगे तो साथ में आपको गिफ्ट मिलेगा। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि गिफ्ट किसको अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ बेस्ट प्राइमर, शुगर का प्राइमर है पोर, ये बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजर प्राइमर। जिसके ओपन पोर्स ज़्यादा हैं या फिर जिसका मेकअप स्टे नहीं करता है, या फिर कितने जनों को इशू रहता है कि मेरा मेकअप अच्छे से स्किन के अंदर मर्ज नहीं हो रहा है इस टाइप का, तो उसके लिए ये बेस्ट प्राइमर है। और सेकंड आ जाता है फाउंडेशन स्टिक, और ये फाउंडेशन स्टिक ऐसी है कि इसके पीछे ब्रश भी है तो ये आपको ब्लेंड करने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। और थर्ड आ जाता है कॉम्पैक्ट, जो कि हमारे फाउंडेशन को अच्छे सेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। और सबसे मेन चीज़ आई शेडो पैलेट, आई शेडो पैलेट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ शुगर की। और ये ऐसी पैलेट है जो आपके सभी यानी हर आउटफिट के साथ बेस्ट जाने वाली है। इसका नाम है 02 वॉरियर, और इसके अंदर आपको गोल्डन भी कलर मिल जाएगा और स्मोकी कलर भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। लड़कियों को स्मोकी आइज़ बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लड़कियों को क्या सभी पर अच्छी लगती है स्मोकी आइज़, वो भी लाइट सॉफ्ट स्मोकी आइज़, ब्राउन भी है इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है फेस पैलेट, और ये भी शुगर की है फेस पैलेट है। इसके अंदर 3 प्रोडक्ट हैं, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट इस परचेज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी की जो मैं वैनिटी बता रही हूँ वो यानी बहुत कम प्रोडक्ट में आप कितना अच्छा मेकअप कर सकते हो वो बताने वाली हूँ। अभी तक हमारे 4 प्रोडक्ट हुए हैं और 4 प्रोडक्ट के बाद ये 5th प्रोडक्ट। 5th प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर और ब्लश, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हैं, ताकि आपकी कॉन्टोरिंग भी इससे हो गई, हाइलाइटिंग भी हो गई और ब्लश भी हो गया। बेस्ट प्रोडक्ट है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, दिवाली और फेस्टिव सीजन्स में तो काफ़ी काम आने वाला है। और फिर आ जाती हैं आई मेकअप हो गया, फेस का मेकअप कंप्लीट हो गया, तो आईब्रोज़ को क्यों छोड़े, आईब्रोज़ के लिए है आईब्रो डिफाइनर, जिसके अंदर ये डिफाइनर इस टाइप का आएगा। मैंने मेरे मेकअप की वीडियोज़ में बता रखा है, अगर आप मेकअप की वीडियोज़ मेरी नहीं देखते हो तो पीछे से स्पूली आएगी, जो आप आई मेकअप कर रहे हो, जो आप आईब्रो को डिफाइन कर रहे हो उसको और अच्छे से इन्हेंस करने के लिए पीछे स्पूली दे रखी है, और आगे ब्रश तो आगे तो एप्लीकेटर है ही। इसके बाद आ जाता है आईब्रो को डिफाइन कर दिया, फिर आ गया आईलाइनर। आईलाइनर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, विंगमैन वाटरप्रूफ माइक्रो लाइनर आईलाइनर। आपको इससे अगर थिक ड्रो करना है तो थिक भी कर सकते हो, थिन ड्रो करना है तो थिन भी कर सकते हो। और फिर आ जाता है सबसे मोस्ट, जिसके बगैर सारा ही मेकअप अधूरा लगता है, काजल। ये भी शुगर की काजल है और ये आपको यानी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसके पिगमेंट्स भी इतने अच्छे, एकदम डार्क ब्लैक है, जेट ब्लैक कलर है इसका। और फिर आ जाता है आई लैशेज़। अगर किसी को फॉल्स लगाना नहीं पसंद है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, मस्करा बहुत ही अच्छा यूज़ करो, जिससे हमारे लैशेज़ अच्छी थिक दिखें और बहुत अच्छी लगे। तो उसके लिए है ये लैश मॉम्ब मस्कारा। और फिर सब कुछ हो गया, आईलैश वगैरह कंप्लीट लग गई, और फिर रह जाता है हमारे पूरे मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मेकअप को लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है और मैन तो क्रैक नहीं आने देता है अपने फेस के मेकअप के ऊपर। तो मैं आपको सेटिंग स्प्रे भी बता देती हूँ, मैं निकालने के लिए भूल गई। ये सेटिंग स्प्रे है ग्रैंड फाइनल मैट, ये हमारे फेस को एकदम मैट लुक देगा। अगर किसी को मैट लुक पसंद है, मैट लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ग्लोसी भी आता है। अलग अलग डिफरेंट 4 टाइप्स के सेटिंग स्प्रे हैं, अगर आपको अलग अलग टाइप के चाहिए तो आप मेरी शॉप पर आके विजिट कर सकते हो। और अभी मेन बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब सेटिंग स्प्रे भी लग गया और अब फिर लिप्स तो रह ही गए। अगर आप लिप्स को लाइन करके लिपस्टिक लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर लिप्स को लाइन करने के लिए ये इनके कलर हैं, 4 नहीं काफ़ी टाइप्स के आते, 6 या 7 टाइप्स के आते हैं, पर अभी मेरे पास ये 4 अवेलेबल हैं। ये इसका शेड है, कलर है, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। तो लिप लाइन करके भी लिपस्टिक लगा सकते हो, और फिर लिप लाइन कर लिया तो लिपस्टिक लगानी है। ये अलग अलग लिपस्टिक्स हैं यार, कोई भी आके आपके मन पसंद का जो भी कलर हो वो लगा सकते हो। फिलहाल मैंने ये आपको बता दिया है, ये है सारे वो प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और ये साथ में पाउच आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जो कि आपकी एकदम छोटी परफेक्ट वैनिटी बनाने के लिए कंप्लीट फुल
पावर पैक्ड पैकेज है, और जिन भी लड़कियों को मेकअप के लिए थोड़ी भी कुछ भी क्वायरी है या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन है या फिर आपको प्रोडक्ट के लिए कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। हालांकि मैंने बता दिया है कि दिवाली के लिए जो बेस्ट मेकअप की छोटी सी किट जो हमको ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दी है, तो वो आपको कम्प्लीटली हेल्प करेगी। और मेकअप तो लड़कियों के लिए हमेशा ही ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ और कहीं जाना होता है तो हम थोड़ा तो ग्रूम्ड होना पसंद करते ही हैं ना, तो इसीलिए मैंने ये आपको कंप्लीट बता दिया है। और ये छोटी सी वैनिटी आपके काफ़ी काम आने वाली है। अगर आपको परचेज़ करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, तो इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ के भी आप ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। आप कहीं पर भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये मैं सिर्फ पर्सनली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बता रही हूँ जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मैंने आपको आज का तो कम्प्लीटली ज्ञान दे दिया है। ज्ञान ये लड़कियों के लिए था क्योंकि दिवाली आ रही है, पीछे पीछे बैक टू बैक शादी आ रही है, तो सबके काम ही आने वाला है इसलिए। तो ठीक है, अब चलेंगे घर पर। और आई होप आपको ये पूरी वैनिटी काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आपको बिग वैनिटी, अगर आप ब्राइडल हो, अगर वो भी आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप कहीं पर भी मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो मैं आपको कंप्लीट वैनिटी का प्राइस डिटेल्स कंप्लीट दे दूंगी और उसके साथ में आपको बहुत ही प्यारी हम वैनिटी बॉक्स गिफ्ट करेंगे। सब बताने के साथ एक चीज़ तो भूल ही बताना, जो कि हम सबको पसंद है, मेन अभी शुगर के ऊपर दिवाली का सबसे अच्छा ऑफर आया जो कि है 12% ऑफ, तो मज़ा आ जाने वाला है। तो ये शॉपिंग करना बिल्कुल ही ना भूलें, 12% का कंप्लीट फ़ायदा उठाएं। अभी जा रहे हैं हम घर पे, घर जाने के लिए काफ़ी लेट हो गए, लगभग 7:30 ऊपर होगी, 8 बजने वाली है। खाना भी आज बहुत लेट मिलने वाला है, तुम्हारे साथ है, हमने हमारी व्यवस्था कर ली है। हाँ तुमने कर ली हो, तो घर पे आ गई, खाना वगैरह जल्दी से बना लिया क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। तो खाने में बनाया है आज फूल गोभी की सब्ज़ी और रोटी, और चिकू के है व्रत, तो मैं खाना वगैरह मेरा खा लेती हूँ क्योंकि भूख भी लगी है, लेट हो गई थी। अभी खाना वगैरह सब खा कर, किचन वगैरह क्लीन करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। और आज मैंने जो आपको शुगर की वैनिटी बताई वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये तो मैंने नॉर्मल बजट की बनाई थी, अगर आपका बजट हाई है, लो है, जैसा भी है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि मुझे इस बजट में वैनिटी बेस्ट से बेस्ट बना के दो, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी और अच्छी से अच्छी वैनिटी बना के आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बताऊँगी उसमें। और अभी कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और दिवाली का धमाका तो आपने शॉप करो पर देख ही लिया है, तो अगर आप शॉप करो पर विजिट तो करिए और अच्छी से अच्छी शॉपिंग कीजिए। और लोगों को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो आप इस ऑफर में। ओके, बाय।